दोस्तों, आखिर संसद के अंदर प्रधानमंत्री मोदी को किसने गाली दी? ये सवाल इसीलिए खड़ा हो गया क्योंकि आज संसदीय कार्य मंत्री ने जब संसद शुरू हुई उससे पहले बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जब संसद की कार्रवाई शुरू हुई, लोकसभा शुरू हुई, कामकाज शुरू हुआ लोकसभा का, तो भी जबरदस्त हंगामा हुआ इस बात को लेकर कि अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इस पूरे के पूरे मामले में कहां गर्मा गर्मी शुरू हुई मैं आपको बताती हूं। दरअसल आज जब लोकसभा शुरू हुई उससे पहले संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि विपक्ष दो ही काम कर रहा है, गाली दे रहा है और दूसरा राजनीति कर रहा है। एक तो उन्होंने गाली दी, किरण रिजिजू ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है, एक तो उन्होंने गाली दी और दूसरा राजनीति करी, जबकि होना ये चाहिए कि बजट पर चर्चा हो रही है तो चर्चा होनी चाहिए। इसके अलावा रिजिजू ने कहा कि बजट पर चर्चा विपक्ष नहीं करने दे जा रहा है। अब हुआ ये कि जब आज लोकसभा शुरू हुई तो विपक्ष के सांसदों ने भी हंगामा शुरू कर दिया, सत्ता पक्ष के सांसदों ने भी हंगामा शुरू कर दिया, तो गर्मागर्मी जब बढ़ी तो लोकसभा अध्यक्ष ने अपनी बात कुछ इस तरह से रखी। मेरा सभी लोगों से आग्रह है, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे प्रतिपक्ष हो या बीच के सदस्य हो, सभी मान्य सदस्य सदन के अंदर अपनी बात को कहें, चर्चा में भाग लें, मर्यादा रखें, कोई ऐसी टिप्पणी न करें जो सदन की मर्यादाओं के अनुकूल नहीं है और संसदीय परंपराओं के अनुकूल भी है। हालांकि ओम बिरला के बोलने से पहले संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने क्या कहा, सुनिए। प्रश्न संख्या 41 अध्यक्ष महोदय जी, हम लोग सब इस महान सदन का सदस्य हैं और आप इसको प्रेसाइड करते हैं। कोई भी सदस्य ऐसा टिप्पणी करते हैं जिससे सदन का गरिमा को चोट पहुंचती है, ये सबके लिए अत्यंत दुखद घटना है। मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय आपसे अनुरोध करूंगा, चाहे सत्ता पक्ष का हो विपक्ष का हो, कोई भी सदस्य इस तरह का टिप्पणी और भाषा इस्तेमाल करता है जो संसदीय परंपरा में परमिसेबल नहीं है, सदन का गरिमा को चोट पहुंचती है, तो आप समय समय में कार्रवाई करते ही हैं, उसको आप सदन का कार्रवाई से बाहर निकलने के साथ साथ, बाकी अध्यक्ष जी आपके पास पावर है, आपके पास अथॉरिटी है कि कोई भी सदस्य इस तरह का व्यवहार करेंगे तो उसके ऊपर में उचित कार्रवाई या उचित टिप्पणी करने का भी माननीय अध्यक्ष जी के पास अधिकार है। तो बड़ा सवाल ये दोस्तों कि मोदी को गाली किसने बकी? क्या वाकई में मोदी सरकार को या मोदी को गाली बकी गई है संसद में? इसके बारे में तो कोई बता ही नहीं रहा है, ना ओम बिरला ने कुछ बताया, ना किरण रिजिजू ने कुछ बताया, ना विपक्ष के तौर पे कुछ बताया गया। हुआ ये कि आज तक में खबर चल रही थी जब, तो मैंने देखा कि आज तक एक रिपोर्टर ने प्रियंका चतुर्वेदी से बात की तो उन्होंने कहा कि अब इनकी हम आलोचना कर रहे हैं तो इनको लग रहा है इनको हम गाली दे रहे हैं, इनकी हम आलोचना भी ना करें क्या? ऐसे तो देश में बहुत सारे लोग हैं जो इस सरकार की अब आलोचना कर रहे हैं, इस सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, तो सवाल पूछने वालों को ये लोग गाली बकना कह देते हैं। अब दो वाक्य कल हुए हैं दोस्तों लोकसभा के अंदर, एक समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने बेईमान शब्द का इस्तेमाल किया जब वो अपनी बात बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आप बेईमानी से जीते, सत्ता पक्ष के लिए बोला। स्वामीनाथन जी को आज तक नहीं माना अध्यक्ष जी, डिस्टर्ब ना करिए सभापति महोदय, मेरा टाइम इसमें काउंट नहीं होगा। आप इधर, अरे यार बेईमानी से जीता है तो ज्यादा ना बोलो, मालूम है कितने बड़े तीरंदाज हो, बेईमान हो। इसके अलावा दोस्तों टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी भी कल फुल फॉर्म में थे, जबरदस्त तरीके से उन्होंने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया कि 400 पार का नारा लेकर आए थे, बंगाल से हमने साफ कर दिया, उसके बाद उनकी ओम बिरला से भी नोकझोंक हो गई। माननीय सदस्य आप वर्तमान बजट पे बोले, 2016 के बाद तो 2019
कोई साठ साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते मैं 5 साल पहले का डिमोनिटाइजेशन का बात करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। बजट सर ये पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट पे मैं बजट पे ही बोल रहा हूँ। जब जब विप्लव देव बोल रहा था तब 100 साल पुराना बात कर रहा था, 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था, तब आप चुप थे। और अब मैं डिमोनिटाइजेशन का बात कर रहा हूँ, आपको चुप रहे। वाह वाह सर वाह। बोलिए अपनी बात पे। डी फॉर ट्रेजेडी एंड दिस इज द ट्रेजेडी, द एग्जांपल यू ऑल सेट इन द हाउस, दिस इज व्हाई आई से डी फॉर ट्रेजेडी। व्हेन द कोलकाता फ्लाईओवर कोलैप्स्ड फ्यू इयर्स अगो, मोदी जी जेस्टेड दैट इट वॉज नॉट एन एक्ट ऑफ गॉड, ही सेड इट्स एन एक्ट ऑफ फ्रॉड। सर वी वंडर वॉट ही हैज टू से व्हेन 141 लाइव्स वर लॉस्ट इन मोरबी ब्रिज कोलैप्स इन गुजरात, वॉज इट एन एक्ट ऑफ गॉड और एक्ट ऑफ फ्रॉड। Sir, what happened when roofs of Delhi, Jabalpur and Gujarat airports collapsed? Was it an act of God or act of fraud? Sir, what happened when Ayodhya Ram temple roof starts leaking after the first rain? Was it an act of God or an act of fraud? Sir, when Mumbai's Atal Setu, started developing cracks within 6 months of its inauguration, was it an act of God or an act of fraud? When 41 workers trapped for 17 days after Uttarkashi tunnel was caved in, sir, was it an act of God or act of fraud? When 20 people killed as a girder launcher collapsed in Samruddhi Expressway in Thane, what was it? An act of God and act of fraud? When 300 lives were lost in Balasore, train incident last year, what was it? Act of God or act of fraud? When 9 were killed and 40 people were injured as goods train rammed with Kanchenjunga Express last month, what was it, sir? An act of God or act of fraud? Yeah. Sir, the rail minister has blood on his hands. A once reliable mode of transport has been transformed into a death trap. Sir, 244 train accidents between 2017 and 2022, 15 major accidents in 2023 alone. Sir, 50% of compulsory track safety inspections were not even completed. Sir, only 672 crore spent out of the needed 58,459 crore on track renewal. अभिषेक बनर्जी ने काफी आलोचना की मोदी सरकार की, लेकिन क्या गाली बकी गई? गाली बकी तो किसने बकी, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो विपक्ष कह रहा है कि अब हम विरोध भी ना करें क्या? ये कैसे हो सकता है कि सत्ता पक्ष चाहता है कि संसद में केवल और केवल बजट पर चर्चा हो? अगर हम बजट पर चर्चा कर रहे हैं तो हम अपनी शिकायतें रखेंगे, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक लाइन बना दी जाए कि आपको इधर नहीं चलना उधर नहीं चलना? बजट पर हम भी चर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन अगर एक शब्द भी हम विरोध का बोलते हैं तो आप ही कह देते हमको गाली बकी। और इस तरह के आरोप विपक्ष हमेशा लगाता रहा है दोस्तों। मोदी जी ने खुद कहा है कि वो कितने किलो गाली रोज खाते हैं और इससे उनको ऊर्जा मिलती है और उनके चेहरे पर चमक आती है। और प्रियंका गांधी ने भी इस चुनाव में बार बार ये बोला था कि मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जो अपनी गालियां याद रखते हैं। अगर गालियां याद रखने का मतलब कंपटीशन हो जाए तो नेहरू गांधी परिवार पर तो किताबें लिखी जा सकती है, इतनी गालियां नेहरू गांधी परिवार को बोली जाती हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि पूरी की पूरी कॉन्ट्रोवर्सी अगर कोई है तो कम से कम ये तो पता चले कि किसने गाली बकी है। ये अपने आप में अब तक सवाल है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।